हे गाइस, वेलकम टू एवीएस जेई नीट क्लासेस। सो नीट 2022 पेपर हो चुका है और इस चैनल पर आपने केमिस्ट्री का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी देख लिया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो केमिस्ट्री का सॉल्यूशन वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया, हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को बताया गया है, तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस लेक्चर में हम फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आए थे पेपर में, लगभग 50 क्वेश्चंस थे आपको जैसा पता होगा, तो 50 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्वागत है, मेरा नाम है अनुग्रह शर्मा, और यहाँ पे फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा यहाँ पे नीट 2022 के लिए। तो जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में बने रहिएगा। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं कि सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा देखने में आपको लगेगा कि क्वेश्चंस जो थे वो आइडिया लग जाएगा मॉडरेट क्वेश्चन थे, मतलब इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे, इजी भी थे उसमें से कुछ कुछ, मॉडरेट क्वेश्चन थे, मतलब इतना टफ पेपर नहीं आया था फिजिक्स का पोर्शन अगर मैं बात करूँ। तो आते हैं क्वेश्चन पेपर पर ज़्यादा देर ना करते हुए। तो ये हमारा है पहला क्वेश्चन। देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर आप समझ गए तो आपको पूरा पेपर लगेगा कि बहुत आसान आया था। क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं कि टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू, वेयर आर वन इज सो ग्रेटर देन आर टू, हैव इक्वल चार्जेस, द पोटेंशियल वुड बी। तो पोटेंशियल कितना होगा ये बताना है। फोर ऑप्शन आर हेयर, मोर देन, मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, इक्वल ऑन बोथ द स्फीयर्स, डिपेंड ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द स्फीयर, एंड फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे मोर देन, मोर ऑन बिगर स्फीयर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ऑप्शन देखने की आपको जरूरत पड़ती नहीं है। वैसे देखो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4π ε₀ q/r। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो ये तो कॉन्स्टेंट होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v = kq/r। अब यहाँ पे q जो है चार्ज, चार्ज भी कह रहा है कि दोनों स्फीयर पर सेम है, मतलब पोटेंशियल जो डिपेंड कर रहा है वो केवल और केवल रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, तो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब r भी जो है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि r अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल जो है वो कम होगा, घटेगा। r की वैल्यू अगर कम होगी तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप ये देखिए कि पोटेंशियल इंक्रीज किस में हो रहा है। तो पोटेंशियल वुड बी मोर देन किस में, मोर किस में होगा स्मॉलर स्फीयर में, कम किस में होगा जो बड़ा वाला स्फीयर है उसमें पोटेंशियल कम होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, तो पहले ही वाला ऑप्शन आपको करेक्ट मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि आर वन और आर टू त्रिज्या वाले दो खोखले चालक गोलों पर समान आवेश है तो विभव का मान कितना होगा, तो छोटे गोले पर ज़्यादा होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू को समझिएगा, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया ध्यान से तो आपका काफ़ी जो प्रॉब्लम है, काफ़ी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन टू ये है, कह रहे कि एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 रोटेशन पर मिनट टू 3120 रोटेशन पर मिनट इन 16 सेकेंड, सो द एंगुलर एक्सेलेरेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन हमें रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में बताना है कि कितना हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, देखो अल्फा की वैल्यू जो होती है, अल्फा को उसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, हिंदी में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन यह है कि एक समान कोणीय त्वरण से घूम रही किसी फिरकी की कोणीय चाल 16 सेकंड में 1200 रोटेशन प्रति मिनट से 3120 रोटेशन प्रति मिनट हो जाती है, तो कोणीय त्वरण का मान रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में निकालना है। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा ओवर डी टी, राइट, ये आपको पता है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे अगर ये पता है तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, क्योंकि डी ओमेगा क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, डी टी क्या है, उस चेंज में कितना समय लग रहा है अपॉन टी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है 3120, ओमेगा नॉट कितना है, इनिशियली कितना था 1200, अपॉन में टाइम कितना लगा 16 सेकेंड। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1920/16, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 120। अब हमें ज्ञात किस में करना है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में, तो इसको हम चेंज करेंगे ना, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करना है, तो 120
और ये पर मिनट में दे रखा है, रोटेशन पर मिनट, तो हम इसको चेंज करेंगे 2π/60। ठीक है, क्योंकि तो एक मिनट में वो एक चक्कर पूरा लगा ले रहा है। ठीक है, रोटेशन पर मिनट है, एक सेकंड में पूरा, एक मिनट में पूरा चक्कर लगा रहा है, तो मतलब एक सेकंड में 2π/60 चक्कर लगाएगा ना, तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, तो ये 2 टाइम्स जाएगा और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 4π। तो देखिए कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, पहले ही वाला ऑप्शन करेक्ट है, 4π इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ट्रांजिस्टर, यहाँ पे कुछ डायोड दे रखे हैं और इनको कनेक्ट किया गया है, तो फिगर यहाँ पे देख लीजिएगा, पहला दूसरा और तीसरा, ये कुछ डायग्राम आपको गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं कि इन द गिवन सर्किट्स ए बी एंड सी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू पीएन जंक्शन आर इक्वल इन, हिंदी में पढ़ते हैं, दिए गए परिपथों ए बी तथा सी में दोनों पी एन संधियों के सिरों पर विभवांतर बराबर होंगे। तो अब पहले समझते हैं कि ये किस तरीके से कनेक्ट हैं। तो पहला वाला देखिए, फर्स्ट वाले में जो पी एन जंक्शन है, पी एन एंड देन पी एन, तो ये क्या है, सीरीज में कनेक्ट है ना। ठीक है, अब पी एन एंड एन पी, तो ये क्या है, एन एन एक साथ जुड़े हुए हैं, देन पी और एन ये कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे बाइजिंग इसकी अगर हम चेक करें, तो पहला वाला पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये कौन सी बाइजिंग है, ये फॉरवर्ड बाइजिंग है ना। ऐसे ये वाला नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये भी क्या है, फॉरवर्ड बाइजिंग है। इस वाले को अगर चेक करोगे, तो यहाँ पे पी पॉजिटिव से कनेक्ट है, यहाँ पे पी नेगेटिव से कनेक्ट है, तो इसकी बाइजिंग जो है वो यहाँ पे इसके लिए क्या हो गई, फॉरवर्ड हो गई, और इसके लिए क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो ये आपस में ही क्या है, वो एक प्रॉपर मैनर में कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे ये पहला वाला और सी, ए एंड सी, ये दोनों ही जो जंक्शन है वो सेम बाइजिंग में कनेक्ट हैं, इनकी जो कंडीशन है वो सेम बाइजिंग में है, यानी कि फॉरवर्ड बाइजिंग में है, तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसी वजह से कि दोनों जो हैं सीरीज में हैं और इक्वल पोटेंशियल इनके बीच में क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो मतलब कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, सर्किट ए एंड सी। ठीक है, बोथ सर्किट ए एंड सी, इनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो इक्वल होगा। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन जो है वो तीसरा करेक्ट है, केवल परिपथ ए एंड सी इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन का, कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ द रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 m विद नेग्लिजिबल मास। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg मास। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि नगण्य भार तथा 10 m लंबाई वाली किसी दृढ़ छड़ के दोनों सिरों पर क्रमशः 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाले दो पिंड लगे हैं, तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड से निकाय के द्रव्यमान केंद्र की दूरी कितनी होगी। इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको अगर याद हो, तो हमने अगर रोटेशनल मोशन वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने देखा है, वो लेक्चर देखा होगा, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि जो भी द्रव्यमान रखे हुए हैं दोनों सिरों पर, कितने कितने रखे हुए हैं, तो यहाँ पर रखा हुआ है 10 किलोग्राम का, यहाँ पर रखा हुआ है 20 किलोग्राम का। ठीक है, इन दोनों को हमने मिला दिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 10 m इसकी लंबाई है, कितनी है, 10 m की इसकी लंबाई है, और दोनों सिरों पर ये रखे हुए हैं, तो 10 किलोग्राम वाले पिंड से द्रव्यमान केंद्र निकालना है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि द्रव्यमान केंद्र जो है वो x दूरी पर स्थित है, तो xCm लिख देते हैं। तो xCm कैसे निकालते हैं, आपको द्रव्यमान केंद्र निकालना आता होगा, तो xCm इज इक्वल टू होता है क्या होता है, तो m1 x1, तो यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये हो जाएगा एक्स सी एम, यानी कि पोजीशन अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे मासेस की, यानी कि 10 × 20 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, तो 20 + 10 मतलब ये हो जाएगा 200/, ये हो जाएगा आपका 30, तो कितना आ गया, 20/3 आ गया, 20/3 m की डिस्टेंस पर यहाँ पे ये होना चाहिए, तो xCm की वैल्यू कितनी आ गई, 20/3, यानी कि ऑप्शन पहला वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट आपको पता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट बहुत ही सही क्वेश्चन है ये। देखो, कह रहा है कि ये बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 cm ईच,
इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, द पावर ऑफ द लेंस इज, कह रहे हैं कि कोई द्विउत्तल लेंस है और उसमें प्रत्येक की जो त्रिज्या है वो बराबर है, यानी कि 20 सेंटीमीटर दे रखी है दोनों ही सतहों की त्रिज्या। अगर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तो लेंस की शक्ति निकालनी है। क्या निकालनी है? शक्ति निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। देखो गिवन है हमें कि R1 और R2 दोनों इक्वल है, कितने हैं 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है जो कि है 1.5, ठीक है। अब 1.5 यहाँ पे गिवन है, फॉर्मूला हमें पता है कि जब भी हमें ऐसा कुछ गिवन हो तो हमें पावर निकालनी है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/F = μ-1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। अब आपको यहाँ पे साइन कन्वेक्शन का भी ध्यान रखना है। देखो ये है द्विउत्तल लेंस, इस द्विउत्तल लेंस को अगर आप देखोगे तो ये R1 इसकी क्या है, राइट साइड में होती है, ये R1 है और ये R2 है। ये R2 जो है वो कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, तो R2 को नेगेटिव लिया जाएगा, R1 - R2, R2 को नेगेटिव लिया जाएगा और R1 को पॉजिटिव लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा P = μ, कितना है 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 बचेगा, 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है 20 पॉजिटिव में, ठीक है प्लस में, फिर ये हमें नेगेटिव में लेनी है 0.2 यहाँ पे लेनी पड़ेगी, यहाँ पे 0.2 ले लेता हूँ मैं क्योंकि हमने मीटर में चेंज कर लिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2 और ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, R2 मैंने बताया आपको कि लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव लेंगे, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 0.2, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा 10 ऊपर आ गया, यहाँ से पॉइंट हटेगा 10 ऊपर आ गया। सॉल्व कर लो तो सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा P = 0.5 और ये यहाँ पे कितना हो गया, दोनों का सेम है तो ये हो जाएगा 2 और 10 10 20 अपॉन 2, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया यानी कि 5 आ गया, राइट। तो 5 डायोप्टर, ये पॉजिटिव आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो प्लस का 5 डायोप्टर यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट जो है वो ये है कि ए स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ ए हाईली विस्कस लिक्विड, द कर्व इन द ग्राफ शोन विच रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द बॉल वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन को देखते हैं हिंदी में क्या कह रहा है, कि उच्च श्यानता वाले द्रव के किसी लंबे स्तंभ में एक गोलाकार गेंद गिराई जाती है, समय टी के फलन के रूप में गेंद की चाल वी को दिखाए गए अभिरेख में कौन सा वक्र निरूपित करता है। तो देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप अगर देखोगे तो इनिशियली जब हम उसको डालेंगे गेंद को इसमें, तो इनिशियली उसकी जो स्पीड होगी या इनिशियली जो जिस वेलोसिटी जिस स्पीड से वो जाएगा वो क्या होगी, तो यहाँ पे हम u ले लेते हैं 0, इनिशियली उसकी स्पीड कितनी होगी 0 होगी, धीरे धीरे वो इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि वो क्या कह रहा है, स्फेरिकल बॉल किसी किस में डाला जाता है, किसी लंबे स्तंभ में एक गोलाकार गेंद उच्च श्यानता वाले ड्रम में, ठीक है। तो पहले तो वो क्या होगी, उसकी स्पीड इनिशियली उसकी स्पीड बहुत कम होगी, लगभग 0 के इक्वल होगी, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होगी, कुछ समय बाद वो एक कॉन्स्टेंट बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो ग्राफ में देखो समझो, पहले 0 थी, धीरे धीरे उसकी स्पीड टाइम के साथ में उसकी स्पीड इंक्रीज़ हुई, तो ये टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ रही है, एक टाइम बाद क्या हो गई, वो स्पीड कांस्टेंट हो गई। तो ये ग्राफ आपको कौन सा दिखा रहा है, तो ये ग्राफ जाहिर सी बात है बी वाला दिखा रहा है, तो बी वाला ग्राफ अगर देखोगे तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और पहले इंक्रीज़ हो रही है फिर कांस्टेंट हो रही है, बाकी किसी में कांस्टेंट नहीं हो रही, 0 से भी स्टार्ट केवल ए में हो रहा है और वो कांस्टेंट नहीं है, एक समय बाद वो तो पूरी ही कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन बी, मतलब बी जो कर्व है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7 का, इसको समझते हैं और क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ द जायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। एक पतली एक समान डिस्क के इसके केंद्र से गुजरने वाले एवं इसके तल के लंबवत,
अक्ष के परितः घूर्णन की त्रिज्या का इस डिस्क के इसके व्यास के परितः घूर्णन की अक्ष के अनुपात का मान कितना होगा। क्वेश्चन को पहले समझना है देखो, उसके बाद ही हम इसको देख सकते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन हो पाएगा। देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई एक डिस्क है, इसके केंद्र से गुजरने वाले इसके तल के लंबवत अक्ष के परितः, पहले डिस्क ये है तो लंबवत तल ये होगा, क्लियर है। और हमें पता है कि इस स्थिति में जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। दूसरी बार क्या कह रहा है, इस डिस्क के व्यास के परितः, तो डिस्क ये है, इसका व्यास कहाँ होगा, तो ये इसका व्यास होगा, ठीक है, इसका व्यास ये होगा या ये होगा। तो व्यास के परितः हमें निकालना है, कोई भी एक व्यास ले सकते हैं, तो उसके परितः अगर हम निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको आई टू ले लेता हूँ, तो ये होता है एम आर स्क्वायर बाई फोर। अब यहाँ से हमें पता है कि रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है के, उसकी वैल्यू कितनी होती है, आई अपॉन एम के इक्वल होती है, तो हमें इन्हीं का रेशियो चाहिए, के वन अपॉन के टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई वन अपॉन आई टू, और दोनों की वैल्यू यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई टू अपॉन एम आर स्क्वायर बाई फोर, तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाना चाहिए, टू टू ज़ा फोर होता है, दो जाएगा ऊपर, तो स्क्वायर रूट ऑफ टू रेशियो वन, स्क्वायर रूट ऑफ टू रेशियो वन इसका आंसर आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ टू रेशियो वन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर वन में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा। ओके आते क्वेश्चन नंबर एट के स्टेटमेंट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है, सो द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर एट इज ए शेल ऑफ मास एम इज एट रेस्ट इनिशियली, इट एक्सप्लोड्स इनटू थ्री फ्रेगमेंट्स हैविंग मासेज इन द रेशियो टू रेशियो टू रेशियो वन, इफ द फ्रेगमेंट्स हैव इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलॉन्ग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस विद स्पीड वी, द स्पीड ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट्स, राइट। जो तीसरा फ्रेगमेंट होगा उसकी स्पीड क्या होगी, ये हमें बताना है। क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं, एक एम द्रव्यमान का गोला प्रारंभिक रूप से स्थिर अवस्था में रखा है, यह तीन भागों में विस्फोटित होता है जिनके द्रव्यमानों का अनुपात 2:2:1 है, यदि समान द्रव्यमान वाले भाग एक दूसरे के लंबवत दिशाओं में वी चाल से जाते हैं तो तीसरे या फिर हल्के वाले भाग की जो चाल होगी वो कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा, आप देखो यहाँ पे एक कोई बड़ा सा हमने ले लिया, कोई ये एम द्रव्यमान था इसका, और ये कुछ समय पश्चात तीन भाग में टूट गया, ये है इसकी स्पीड, ये है, ठीक है। और रेशियो देखो, टू रेशियो टू रेशियो वन, टू रेशियो टू रेशियो वन का मतलब क्या हो गया, 2:2:4 और 1:5, तो इसका मतलब 2/5 एम ये होगा इसका इसका मास, ये जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये तीनों एक दूसरे के लंबवत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका इसका क्या होगा, इसका होगा 2m/5 और इसका हो जाएगा m/5 मास, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे अप्लाई हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही अप्लाई करना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो कितना क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे इनिशियली क्या था, वेलोसिटी ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद जब ये टूटा तो 2m/5 इसकी वेलोसिटी कहाँ है, लेफ्ट साइड में लिया हमने, तो माइनस पी आई कैप, दूसरा 2m/5 और इसकी वेलोसिटी क्या लिया, माइनस वी जे कैप, तीसरा जो है m/5 इसकी जो वेलोसिटी है वो वी डैस, ठीक है। अब यहाँ पे वी डैस वेक्टर निकालना है, तो वी डैस वेक्टर कितना हो जाएगा, तो जाएगा 2vi कैप + 2vj कैप, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2v² + 2v² यानी कि 2v² b² + 2v² मतलब ये आ गया आपका 2√2v, क्या आ गया 2√2v, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। इज इट क्लियर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का, ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस 1 mm हैज 100 turns per mm, इफ 1 ampere करंट फ्लोज इन द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ
एट द सेंटर ऑफ द सोलेनाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें बतानी है सोलेनाइड के सेंटर पर कितनी होगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, सोलेनाइड के जो सेंटर होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन ये था कि 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाली किसी लंबी परिनालिका में प्रति मिलीमीटर 100 घेरे हैं। यदि परिनालिका में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जहाँ पे स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ, तो म्यू नॉट एन अपॉन एल के इक्वल हो जाएगा एंड आई। बी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला हो जाएगा, देखो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4π × 10⁻¹। टर्न्स कितने हैं तो 100 टर्न्स हैं, कितने लेंथ पर तो 1 मिलीमीटर या फिर यानी कि 10⁻³। करंट कितनी फ्लो हो रही है 1 एम्पियर की। अब हमें केवल इसको सॉल्व करना रह जाता है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12.56 × 10⁻² टेस्ला। कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लग रहा है आपको, ऑप्शन नंबर पहला वाला अगर देखोगे तो यही है 12.56 × 10⁻² टेस्ला, सो दिस वन इज करेक्ट। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 10। सो द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम रेस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम द रेशियो T1 रेशियो T2। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम और द्वितीय उत्तेजित अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो T1 और T2 है, परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार इनका अनुपात कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्साइटेड स्टेट जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणु में जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की वो कितनी होती है। तो फॉर्मूला इसके लिए होता है टी इज इक्वल टू -13.6 जेड अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, राइट, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम T1 अगर निकालें तो T1 क्या है, यहाँ पे देखो प्रथम और द्वितीय उत्तेजित अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं, तो T1 मतलब n इज इक्वल टू प्रथम जो उत्तेजित अवस्था होती है उसकी, उसके लिए क्या n की वैल्यू क्या होती है, तो दो होती है, तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे n की जगह, तो n इज इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए तो जाएगा -13.6 जेड, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है आपको पता होगा, एंड n कितना हो गया 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया T1 की वैल्यू। T2 अगर हम निकालेंगे तो T2 कितना हो जाएगा, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अगर हम देखेंगे तो वो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो यानी कि -13.6 अपॉन 3 × 9। अब हमें इसका रेशियो चाहिए, तो T1 रेशियो T2 अगर हम देखते हैं तो जाएगा 1/4 रेशियो 1/9, मतलब ये आ गया 9:4, कितना आ गया 9:4। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 जस्ट इसी के नीचे है, कह रहा है कि ए लाइट रे फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एन एंगल 60 डिग्री, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज वुड बी। तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा आप ये ध्यान रखेंगे कि स्नेल लॉ का अगर हम यूज़ करें, जब भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे स्नेल लॉ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कोई एक लाइट रे है जो कि √3 अपवर्तनांक वाले किसी कांच के तल पर 60 अंश के कोण पर गिरती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है स्नेल्स लॉ का sin I / sin R इज इक्वल टू n2/n1, ठीक है, तो n1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा एयर के लिए, एयर से ग्लास में जा रही है, तो sin n1 और sin I, तो sin I कितना दे रखा है इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री, और ये कितना है n2 की वैल्यू √3 दे रखी है, और ये कितना है sin R जो कि हमें निकालना है। तो यहाँ से हम sin R की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, बहुत ही इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो sin R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल 1/2, यानी कि R की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, क्योंकि साइन में 1/2 वैल्यू 30 की होती है, तो 30 यहाँ पे इसका आंसर होगा R की वैल्यू,
अब इनका देखो सम देखना है, सम देखना है, तो सम यहाँ पे कितना आएगा, तो ये था 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो आई प्लस आर अगर हम देखेंगे तो ये कितना जाएगा 90 डिग्री, तो ऑप्शन जो है वो सेकेंड यहाँ पे करेक्ट है, दिस वन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ ए सोप बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इन साइड द बबल। सो इफ अ सोप बबल एक्सपेंड्स, अगर एक सोप बबल एक्सपेंड होता है तो इसके अंदर बुलबुले के अंदर जो दाब होगा, प्रेशर होगा, वो क्या होगा, तो इंक्रीज होगा, रिमेन्स द सेम, इज इक्वल टू द एटमोसफेरिक प्रेशर एंड डिक्रीज। तो इस क्वेश्चन को अगर समझा जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फार्मूला हमें याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 40/R, ठीक है, क्योंकि सोप बबल जो होता है उसके अंदर भी एयर होती है और बाहर भी एयर होती है, इसीलिए हम ये वाला प्रेशर के लिए 40/R यूज़ करते हैं। अगर बुलबुला पानी के अंदर उठता है, जैसे ये है, ये क्या है, जल है, और इसके अंदर बुलबुला उठ रहा है, तो इसके बाहर तो पानी है और अंदर एयर है, तो इसके लिए जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 2T/R, ठीक है। ऐसी एक बूंद है जिसके बाहर एयर है और अंदर क्या है, वाटर है, तो इसके लिए भी प्रेशर कितना होगा, 2T/R, ठीक है। तो प्रेशर 2T/R तब होगा जब एक तरफ एयर होगी और एक तरफ वाटर होगा या कोई और वो होगा, फ्लूड होगा। अगर यहाँ पे दोनों तरफ एयर है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 40/R, ठीक है। अब इसमें इसको समझिएगा, आर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, आर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, एंड प्रेशर जो होगा उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो सोप बबल एक्सपेंड हो रहा है इसका मतलब त्रिज्या बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है इसका मतलब प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4, डिक्रीजेस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, ऑप्शन है यहाँ पे डायमेंशंस बट नो यूनिट्स, नो यूनिट एंड नो डायमेंशंस, बोथ यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट बट नो डायमेंशन। एक समतलीय कोण जो होता है एवं घन कोण जो होता है उसमें इनमें से क्या सही है इसके लिए। तो अगर हम प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल की बात करें तो डायमेंशन लेस होते हैं लेकिन उनकी यूनिट तो होती है, ठीक है। तो ये डायमेंशन लेस होते हैं लेकिन यूनिट इनकी होती है, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4, मात्रक होता है लेकिन कोई विमा नहीं होती, यूनिट बट नो डायमेंशंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हेन लाइट प्रोपगेट्स थ्रू ए मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी म्यू एप्सिलॉन आर एंड रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट वी इज गिवन बाय। तो सी इज इक्वल टू फार्मूला हमें पता होना चाहिए क्या होता है, सी इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/ स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये फार्मूला होता है। यहाँ से अगर हम वी के टर्म में निकालें तो ये फार्मूला आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, सी इज इक्वल टू, और वी इज इक्वल टू सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये रिलेशन आपको मिलेगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। सो दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एन इज इक्वल टू कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर और एप्सिलॉन आर, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन वी, एंड वी इज इक्वल टू यहाँ पे होता है सी अपॉन एन, तो एन की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो आपको यही मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 इज टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 ओम टू दैट इन 200 ओम इन द गिवन टाइम, ओके। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को अगर समझ लेते हैं तो हम इसके सॉल्यूशन पे आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है कि 100 ओम एंड 200 प्रतिरोध वाली दो प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, किसी नियत समय में 100 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का 200 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा से अनुपात कितना होगा। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, पी इज इक्वल टू कितना होता है पावर के लिए, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसका मतलब ये है कि पी जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, आर पर, क्योंकि वोल्टेज दोनों के लिए सेम है, वोल्टेज अगर दोनों पर सेम है तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R।
यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल हो जाएगा आर टू अपन आर वन। आर टू कितना है 200 और आर वन कितना है 100, मतलब ये हो गया 2 के इक्वल। रिमीन्स रेशियो कितना आ गया 2:1। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 2:1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट क्वेश्चन का ये है कि द ग्राफ विच शोज द वेरिएबल वेरिएशन ऑफ द डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है किसी कण के डी ब्रॉग्ली तरंग के परिवर्तन एवं इसमें निहित संवेग को प्रदर्शित करने वाला आरेख इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आरेख इसको प्रदर्शित कर रहा है, देखो मोमेंटम एंड वेवलेंथ के लिए अगर हम बात करें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब यहाँ पे ग्राफ जो है वो कैसा होना चाहिए, हाइपरबोलिक होना चाहिए, क्योंकि हमें लैम्डा एंड मोमेंटम के बीच में रिलेशन पता करना है, तो ग्राफ विल बी हाइपरबोलिक। तो इनमें से हाइपरबोलिक ग्राफ कौन सा है, तो दिस वन इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, चेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन इज ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। इफ द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स से गुजरने वाला जो इस फील्ड से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा। क्वेश्चन को हम समझते हैं, कह रहे हैं कि 1 मीटर भुजा एवं 1 ओम प्रतिरोध वाला एक वर्गाकार घेरा 0.5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि घेरे का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो घेरे से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको समझाया क्या गया है, देखो बी की वैल्यू गिवन है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है 0.5 टेस्ला यानी कि 0.5 टेस्ला है। एंगल जो है इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों क्या है सेम है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, तो इस केस में बी एंड ए, क्योंकि एरिया जो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो बी एंड ए के बीच का जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन बी एंड ए, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर आप समझेंगे तो ये है एक तल, इसका एरिया इधर की तरफ होगा और इसी सरफेस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों तो क्या हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो गई। थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, फाई इज इक्वल टू कितना होता है, बी डॉट ए कॉस थीटा। थीटा की जगह 0 रख दो, बी कितना है 0.5, एरिया कितना है यहाँ पे 1, ठीक है, 1 मीटर यहाँ पे दे रखा है, तो 1 मीटर वर्गाकार है, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू ऑल्सो 1, तो ये कितना हो गया 0.5, और वेबर, फाई फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वेबर होता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0.5 वेबर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहे हैं कि डायमेंशंस ML T-2 A-2 बिलोंग्स टू द, तो ये जो डायमेंशन है वो किससे बिलोंग करती है, ये डायमेंशन किसकी है ये हमें बतानी है। तो देखो इस डायमेंशन को अगर हम बात करें तो पहले तो अगर आपको नहीं पता है सिंपली आप यहाँ पे एक तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो कि इनमें से किसकी डायमेंशन नहीं हो सकती है। तो पहले अगर हम बात करें तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन हो नहीं सकती यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना होता है। देखो MLT-2 किसकी डायमेंशन होती है, न्यूटन की होती है, और पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो पर एम कूलम स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्पियर स्क्वायर है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये किसकी डायमेंशन होती है। तो आपको इसका अगर फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इसको कर लेंगे, और नहीं याद है तो ये जो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी की जो यूनिट अगर आपने देखी हो तो वो इसी के इक्वल होती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाई 2 आर इंसिडेंट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक मेटल देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स Vs/2 एंड Vs रेस्पेक्टिवली द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होगी मेटल के लिए वो कितनी होगी, इस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए।
देखो, जब भी हमें थ्री सॉल्व फ्रिक्वेंसी निकालनी होगी तो हम किसका यूज़ करेंगे, आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज़ कर लो अगर आपको याद है तो। ये क्या होगी, ई वी या फाइव इज इक्वल टू कितना होता है, एच न्यू माइनस फाइव, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। तो यहाँ पे हम ई वी काइनेटिक एनर्जी की जगह ई वी यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे वोल्टेज जो है वो आपको गिवन है, और फ्रिक्वेंसीज जो है वो अलग अलग है दोनों के लिए, है ना। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले देखो फोटो इलेक्ट्रिक मेटल है और इसमें दो मोनोक्रोमेटिक लाइट हैं जिनकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, फ्रिक्वेंसीज न्यू एंड न्यू बाई टू एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल्स आपको गिवन है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल्स जो वी है इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इस तरफ देखो, तो ये हो जाएगा ई वी एस बाई टू, ठीक है। वी की जगह कितना रख दिया, वी एस बाई टू रख दिया मैंने, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो कितनी थी, न्यू थी, तो एच न्यू हो जाएगा, यही रहेगा। और माइनस थ्री सॉल्ट फ्रिक्वेंसी, तो एच न्यू थ्री सॉल्ट, ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ मैं, या एच न्यू नॉट से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन और लिख दो, क्या हो जाएगी, ई वी एस इज इक्वल टू एच न्यू बाई टू, दिस इज एच न्यू बाई टू, देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल्स बिकम रेस्पेक्टिवली, दिस इज एच न्यू बाई टू एंड माइनस एच थ्री सॉल्ट फ्रिक्वेंसी, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, अब इन दोनों इक्वेशन से हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द थ्री सॉल्ट फ्रिक्वेंसी फॉर दिस मेटल, इस मेटल के लिए थ्री सॉल्ट फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इस मेटल के लिए थ्री सॉल्ट फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस डेटा का हम यूज़ करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो हो जाएगा ई वी एस इज इक्वल टू टू एच न्यू माइनस टू एच थ्री सॉल्ट, ठीक है। या टू ये किसके इक्वल हो गया, टू एच न्यू माइनस एच न्यू थ्री सॉल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू एच न्यू माइनस टू एच न्यू थ्री सॉल्ट और दिस इज़ इक्वल टू टू वी एस, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं वी एस के साथ में, तो ये वैल्यू जो है वी एस की यहाँ पे उठा के रख दो, दिस इज़ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू इंटू टू एच न्यू माइनस एच न्यू थ्री सॉल्ट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस टू एच न्यू थ्री सॉल्ट, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस विल इक्वल टू फोर एच न्यू माइनस, ये हो जाएगा आपका टू एच थ्री सॉल्ट, न्यू थ्री सॉल्ट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस टू एच न्यू थ्री सॉल्ट। इसको इधर ले जाते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो डेटा है वो क्या है, इनकरेक्ट डेटा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे डेटा इनकरेक्ट दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे थ्री सॉल्ट फ्रिक्वेंसी कैंसिल हो जा रही है, और थ्री सॉल्ट फ्रिक्वेंसी ही यहाँ पे पूछ रहा है मटेरियल की कि कितनी होगी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में डेटा इनकरेक्ट है, वैसे इसको एक बार और देख लेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज़ अगर हम यहाँ पे करते हैं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे थ्री सॉल्ट फ्रिक्वेंसी आपस में कैंसिल हो जा रही है, जिस वजह से यहाँ पे डेटा फाइंड करना पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, इफ द इनपुट फ्रिक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रिक्वेंसी वुड बी, अगर इनपुट फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी होगी ये हमें बताना है। कौन सा है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी है, तो इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना है। देखो जब भी आपका हाफ वेव रेक्टिफायर इस तरीके का आएगा तो यहाँ पे इस रेक्टिफिकेशन के लिए जो फ्रिक्वेंसी होती है जितनी इनपुट होगी उतनी ही आउटपुट होगी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी जितनी इनपुट होगी उतनी ही आउटपुट होगी, तो दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो इस केस में अगर हम इनपुट फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे देख रहे हैं कि 60 हर्ट्ज गिवन है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 60 हर्ट्ज, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज एन आइडियल गैस अंडरगोज फोर डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन द फिगर बिलो।
दोज प्रोसेसेस आर एडियाबेटिक आइसोथर्मल आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक द कर्व विच रिप्रेजेंट द एडियाबेटिक प्रोसेस एमंग 1, 2, 3 एंड 4. तो हमें वो कर्व बताना है जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नीचे दिखाए गए चित्रानुसार कोई आदर्श गैस एक समान अवस्था से आरंभ करके चार अलग अलग प्रक्रमों से गुजरती है. ये प्रक्रम रुद्धोष्म समतापीय समदाबीय और असमायतनिक है. 1, 2, 3 और 4 में से वह वक्र जो रुद्धोष्म प्रक्रम को निरूपित करता है. तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आपको पता है कि क्या कंडीशन होती है. तो इसके लिए सिचुएशन आपको बस याद रखनी है. देखो क्या सिचुएशन होती है. डेल क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा. एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल क्यू कितना होगा, जीरो होगा. ठीक है, दिस इज फॉर एडियाबेटिक. आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, आइसोथर्मल के लिए डेल टी इज इक्वल टू जीरो होगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है. आइसो बारिक के लिए क्या होगा, प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि डेल पी इज इक्वल टू जीरो होगा. आइसोकोरिक के लिए क्या होगा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि डेल वी इज इक्वल टू जीरो होगा. तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए. पहला वाला ग्राफ देखते हैं. पहले वाले में क्या है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो फर्स्ट वाला जो हो गया, फर्स्ट वाला यहाँ पे लिख देता हूँ. तो ये क्या हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोकोरिक. ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है. सेकंड वाले को चेक करिए. सेकंड वाला जो है वो क्या हो गया, एडियाबेटिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो कर्व है, या आपने कार्नोट इंजन जब पढ़ा होगा तो ये एडियाबेटिक के ग्राफ को शो करता था. तो दिस इज सेकंड इज एडियाबेटिक. थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला किसको शो कर रहा है. तो यहाँ पे पी और बी इन दोनों के बीच में ये क्या है, कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल. ठीक है, ये आइसोथर्मल को शो कर रहा है. और ये वाला जो है ये कुछ ऐसा है ना, आपको दिख रहा होगा इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है. फोर्थ वाला अगर देखेंगे तो इसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो ये है आइसोबारिक. तो इसमें आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि सेकेंड वाला जो ग्राफ है वो एडियाबेटिक ग्राफ को शो कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. पहले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दूसरे में वेवलेंथ है. ठीक है, तो यहाँ पे AM रेडियो वेव दे रखी है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है. उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन है और एक्सरेज है. तो आपको अगर आपको वेवलेंथ पता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं. देखिए अगर हम इसको देखें कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियो वेव्स की अगर हम वेवलेंथ की बात करें, ठीक है, रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ कितनी होती है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियो वेव. तो रेडियो वेव की वेवलेंथ जो होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है 10 to the power 2 मीटर तक. ठीक है, अगर हम वही बात करें माइक्रोवेव की, तो माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 10 to the power -2 मीटर की, मीटर तक. और इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है, इंफ्रारेड, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 10 to the power -4 मीटर की के इक्वल. और एक्सरेज की अगर हम बात करें तो ये 10 to the power -10, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम एक्सरेज होती है 10 to the power -10 मीटर तक की. ठीक है, अब इसको देख लीजिए कौन सा किससे मिल रहा है. रेडियो वेव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैसी वेव है, एक रेडियो वेव है, 10 to the power 2 आएगा, यानी कि 10 to the power 2 किससे मिल रहा है, सेकेंड वाले से. ठीक है, फिर माइक्रोवेव 10 to the power -2 कहाँ आ रहा है, थर्ड वाले से, सेकेंड वाला थर्ड वाले से. इंफ्रारेड रेडिएशन किस में आ रहा है, तो 10 to the power -4 वो कहाँ है, फोर्थ वाले में. और एक्सरे कहाँ है, वो है पहले वाले में. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया. ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक एंगल ऑफ 30° एंड 45° विद द एक्स एक्सिस शोन इन द फिगर, द रेडियो ऑफ देयर, द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज. तो इनकी रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ये हमें बताना है. देखो इस क्वेश्चन के लिए
आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डी एक्स ओवर डी टी के इक्वल होता है, और ये क्या है यहाँ पे स्लोप है, तो ये स्लोप है तो यानी कि टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। और टेन थीटा अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ थीटा के रिस्पेक्ट में, तो वी वन अपॉन वी टू, तो पहले के लिए वी वन कितना है 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 10 30, और अपॉन में 10 दूसरा वाला कितना है, तो ये है 45। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो वी वन अपॉन वी टू यहाँ से मिल जाएगा। 10 30 30 कितना हो गया, दिस इज़ 1/√3, और 10 45 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया, 1/√3, यानी कि 1:√3। तो दिस वन इज़ करेक्ट, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 इज़, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स 8 फ्रिंजेस इन द सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन व्हेन द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ इज यूज्ड। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज्ड टू 400 नैनोमीटर देन द नंबर ऑफ फ्रिंजेस ही वुड ऑब्जर्व इन द सेम रीजन ऑफ द स्क्रीन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में जब 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला एक वर्णी प्रकाश प्रयुक्त होता है, तो पर्दे के किसी विशेष भाग पर एक विद्यार्थी 8 फ्रिंजे प्राप्त करता है। यदि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर पर बदल जाता है, तो उसके द्वारा पर्दे के उसी क्षेत्र में प्राप्त फ्रिंजों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फार्मूला आपको अगर पता है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो y इज इक्वल टू, फार्मूला जो होता है y इज इक्वल टू एन लेमडा डी ओवर डी, ठीक है, ये फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला होता है। तो यहाँ से आपको पता हुआ कि एन वन लेमडा वन इज इक्वल टू एन टू लेमडा टू, ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो ये वेरी वेरी कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने केवल ये लिखा है। तो n यानी कि 8, क्योंकि 8 फ्रिंजे वो प्राप्त कर रहा है तो 8 हो गया। वेवलेंथ कितनी प्रयुक्त की गई है, तो वो 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ प्रयुक्त की गई है। नैनोमीटर में है तो नैनोमीटर में ही रहने देते हैं, क्योंकि दूसरी वाली भी नैनोमीटर में ही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन टू की वैल्यू हमें निकालनी है, जबकि वेवलेंथ यहाँ पे 400 मीटर ये वाली दे रखी है, तो यहाँ पे एन टू कितना हो जाएगा, तो एन टू हो जाएगा 8 × 600 और बट्टे में कितना आ जाएगा 400, तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गए, 4 × 2 8 होता है और 2 × 6 12 होता है, ठीक है, तो कितना हो गया 12, यानी कि एन टू की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, कौन सा वाला, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 इज, ए पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इज इक्वल टू, किसी एसी सोर्स का जो पीक वोल्टेज होता है यानी कि शिखर वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे, देखो ए पीक वोल्टेज की अगर हम बात करें तो सिंपल ही है, पीक वोल्टेज वी नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, वी आर एम एस रूट टू, ठीक है, ये पीक वोल्टेज होता है, रूट टू गुना होता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे हो जाएगा, रूट टू टाइम्स द आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी सोर्स, यानी कि ए सी सोर्स के आर एम एस मान का रूट टू गुना। क्वेश्चन नंबर 26, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन द स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग इज डबल्ड देन द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव लेंथ वेव अलॉन्ग द स्ट्रिंग। यदि किसी खिंची हुई रस्सी में तनाव का मान प्रारंभिक मान का दोगुना हो जाए, तो इस रस्सी पर चलने वाली अनुप्रस्थ तरंग की प्रारंभिक एवं अंतिम चालों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो फिर हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखो सिंपली आप याद रखिएगा, कभी भी अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है वो टेंशन के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल इज इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, इनिशियल टेंशन अपॉन फाइनल टेंशन स्क्वायर रूट में। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आई अपॉन वी एफ इज इक्वल टू टी अपॉन टू टी, टी से टी कैंसिल कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 1:√2। क्या आ जाएगा, 1:√2, यानी कि ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, 27 क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है बायो सेवर्ट्स लॉ गिवन गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द इनफाइनाइट स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज बायो सेवर्ट्स लॉ इज एनालॉगस टू कुलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज क्यू विद द फॉर्मर बींग रिलेटेड
टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्केलर सोर्स आइडियल वाइल लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ए वेक्टर सोर्स क्यू. इन लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. इनमें से हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है. क्वेश्चन ये है कि बायो सावर्ट का नियम के हम केवल हमें किसी धारावाही चालक के अत्यंत सूक्ष्म धारा अवयव के चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का व्यंजक प्रदान करता है, और दूसरा है कि बायो सावर्ट का नियम आवेश क्यू के कुलम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का के अनुरूप है. इसमें पहला एक अदिश स्रोत आइडियल द्वारा उत्पन्न क्षेत्र से संबंधित है, जबकि बाद वाला सदिश स्रोत क्यू द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के से संबंधित है. उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है. तो देखिए बहुत ही आसान है कि यहाँ पे कथन पहला वाला तो सही है, इसमें आपको कोई विचार नहीं करना है. पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, क्योंकि b इज इक्वल टू कितना होता है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4π भी होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट आता है, म्यू नॉट अपॉन 4π आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है. अब इस क्वेश्चन में आइडियल आ रहा है, जो कि किसको शो करता है, जो कि शो करता है अत्यंत सूक्ष्म धारा अवयव को शो करता है. तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट. एंड स्टेटमेंट टू जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी चार्ज के साथ में कंपेयर किया नहीं जा सकता. तो चार्ज के साथ में कोई कंपेरिजन नहीं है इसका. इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी यहाँ पे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्यूब आ जाएगा, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी नहीं है. तो यहाँ पे लिख देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर स्टेटमेंट वन जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा. ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट इज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत प्रतिरोध के मान पर क्या फर्क पड़ेगा. तो हमें पता है कि विद्युत प्रतिरोध का मान जो होता है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में क्या होता है, उसके प्रतिरोध का मान बढ़ता है, इंक्रीज होता है, जबकि कंडक्टर जो सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं उनका मान डिक्रीज होता है. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा, इंक्रीज फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीज फॉर सेमी कंडक्टर. तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाई ए 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन वन आवर. तो एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड, तो 100 किलोवाट वाले ट्रांसमीटर यानी कि प्रेशर यंत्र द्वारा आदर्श रूप में एक घंटे में उत्सर्जित की गई ऊर्जा का मान हमें बताना है. तो एक घंटे में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित की जाएगी, तो E इज इक्वल टू पी इंटू टी होता है. ठीक है, वर्क डन इंटू इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. तो 100 दे रखा है और किलोवाट में तो 10^3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं. तो ये हो जाएगा 36 × 10^7 जूल. तो 36 × 10^7 जूल कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं हम. क्वेश्चन नंबर 30 इज स्टेटमेंट है क्वेश्चन का कि ए बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंसेस ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 30 न्यूटन और दिस इज 3.0 न्यूटन यानी कि 3 न्यूटन. व्हेन प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. तो जब 60 ग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को किसी नियत बिंदु पर रखा जाता है तो यह 3 न्यूटन के गुरुत्वीय बल का अनुभव करती है. इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र के तीव्रता के परिमाण ज्ञात करना है. तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आई जी इज इक्वल टू तीव्रता के लिए एफ अपॉन एम. तो F की वैल्यू यहाँ पे 3 न्यूटन दे रखी है, M कितना दे रखा है 60 ग्राम यानी कि 60 × 10^-3. तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा 300/6 6 × 6 = 30 यानी कि 50. ठीक है, 50 न्यूटन/kg. तो न्यूटन पर के जी, 50 न्यूटन/kg ऑप्शन पहला वाला है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स. तो इस गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एक्स एलिमेंट है वो क्या हुआ, तो इसमें एक्स की वैल्यू हमें एक्स का मान बताना है क्या हुआ. तो ये 22 सोडियम है, 11 सोडियम 22 और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, दिस इज इसको हम पॉजिट्रॉन बोलेंगे, एंड एक न्यूट्रिनो है. तो यहाँ पे जो बीटा प्लस है ये यहाँ पे डीके हो रहा है. ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं,
11 एन ए 22, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो अगर बीटा एक पार्टिकल रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे माइनस वन करते हैं तो ये जाएगा कितना 10 एन ई और 22, ठीक है, और प्लस वन, प्लस वन बीटा यानी कि माइनस वन तो है नहीं, तो यहाँ पे प्लस वन करेंगे, प्लस वन बीटा ज़ीरो, और यहाँ पे एक न्यूट्रिनो आ गया, तो इसको जो हम करेंगे तो ये इक्वल हो रहा है 10 + 1 = 11, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 10 NE 22, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये बहुत ही ईजी है, सबसे ईजी क्वेश्चन यही होगा मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो कितना होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहे कि एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10^-2 अपॉन √π मीटर हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, द करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर इज, तो 10 मीटर लंबाई एवं 10^-2 √π मीटर त्रिज्या वाले किसी तांबे के तार का विद्युत प्रतिरोध 10 ओम है, 10 वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता वाले किसी विद्युत क्षेत्र के लिए तार का धारा घनत्व तो कितना हुआ, तो इसके लिए देखिए रेडियस ऑफ वायर यहाँ पे गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π r², तो ये π r² अगर हम यहाँ पे करते हैं तो रेडियस यहाँ पे लगा दो तो पाई, और रेडियस है यहाँ पे 10^-2 अपॉन √π का स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसका ये आ जाएगा 10^-4 मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व जो होता है जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, तो करंट यहाँ पे गिवन है तो वो है 10 वोल्ट पर मीटर, और बी यहाँ पे करंट निकालनी है तो वी अपॉन आर होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे लगा देते हैं, तो V अपॉन आर और यहाँ पे हो गया 10 और अपॉन 10 वोल्ट पर मीटर, ये वोल्ट पर मीटर गिवन है, पर मीटर पर इतना है, और लेंथ कितनी दे रखी है 10, तो 10 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और एरिया कितना है 10^-4 सॉल्व कर लो, 10 से 10 कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू जो मिल जाएगी करंट डेंसिटी 10^5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये 10^5 ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, 34th क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड, तो स्वच्छंद रूप से गिरते हुए किसी पिंड द्वारा पहले दूसरे और तीसरे चौथे सेकेंड में तय की गई दूरियों का अनुपात कितना होगा, तो इसके लिए फार्मूला आप याद रखेंगे, एस एंथ इज इक्वल टू होता है फार्मूला u + a/2 2n-1, ये फार्मूला आप याद रखेंगे u + a/2 2n-1, तो यहाँ पे पहले दूसरे तीसरे के लिए निकाल लोगे, तो nth के लिए यहाँ पे जो डिपेंड कर रहा है u तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा a/2 जो है वो सबके लिए सेम होगा, एक्सलेशन है तो ग्रेविटी के अंडर ग्रेविटी मोशन जो होते हैं वो सबके लिए सेम होगा, तो s nth जो है वो केवल प्रोपोर्शनल है किसके 2n-1 के, तो s1 निकालो, s1 तो 1 रखेंगे यहाँ पे तो 2-1 = 1, s2 2 रखेंगे, 2 × 2 = 4 और 1 4 में से 1 गया तो 3, s3 3 × 2 = 6 6 में से 1 गया 5, और s4 4 × 2 = 8 में से 1 गया 7, कितना हो गया 1 3 5 7, ठीक है 1 3 5 7, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg, लिफ्ट प्लस पैसेंजर इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 m/s, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 N, द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वॉट्स इज, तो कितनी मिनिमम पावर डिलीवर होगी इसमें ये बताना है, तो एक लिफ्ट है अपने अधिकतम भार यानी कि 2000 किलोग्राम यहाँ पे है लिफ्ट तथा यात्री के साथ में,
1.5 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर चाल से ऊपर की तरफ जा रही है, तो गति का विरोध करने वाले घर्षण बल का मान 3000 न्यूटन है। तो मोटर द्वारा लिफ्ट को प्रदान की गई न्यूनतम शक्ति का मान कितना होगा? ठीक है, मोटर द्वारा लिफ्ट को प्रदान की गई न्यूनतम शक्ति का मान हमें निकालना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है इसमें। अभी हमें देखो देखो ये लिफ्ट है, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, इस पर नीचे की तरफ वेट लग रहे हैं, लिफ्ट का अपना वेट और आदमी इंसान जो है इसमें उसका, तो ये वेलोसिटी है। तो पावर जो होगी वो क्या होगी? पावर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे पावर इज इक्वल टू, तो ये जाएगा टी यानी कि टेंशन इन टू वी, ठीक है, इसके इक्वल जाएगा। तो टेंशन कितनी लग रही है यहाँ पे? तो वो 2000 तो ये हो गया और 3000 ये हो गया, ठीक है, 3000 न्यूटन का फोर्स ये लग रहा है, तो 3000 न्यूटन का फोर्स ये लग रहा है और दिस इज 20 kg ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे W भार यहाँ पे जो निकालेंगे कितना हो जाएगा? 20 kg घर्षण गति का विरोध करने वाले घर्षण बल का मान 3000 न्यूटन है। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 3 5, ठीक है, अधिकतम भार DG ये हो गया आपका 20,000 और 20+3 ये हो गया 23,000। और वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? वेलोसिटी है यहाँ पे 1.5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 15 × 15 = 45, 5 × 4 = 30, 4 = 34 और ये आ गया, तो 34,500 वाट आ गया। 34,500 वाट कहाँ पे लिखा हुआ है? 34,500 वाट ये लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सेकंड इज़ करेक्ट, ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 5 और, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। सो 36 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए मॉलिक्यूल्स कंटेंड इन 4.5 kg वाटर एट STP If the intermolecular forces vanish always, तो यदि अंतःआणविक बल हट जाए तो मानक ताप एवं दाब पर 4.5 किलोग्राम जल के अणुओं द्वारा लिया गया आयतन हुआ। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो V यहाँ पे हमें चेंज करना है। देखो V यहाँ पे कितना होगा? V इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 22.4 लीटर से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मास, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, तो ये हो गया 22.4 × 10⁻³ - 3 m³। तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर लिया, तो यहाँ पे गिवन है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो ये 4.5 kg है, 4.5 × 10⁻³ हो गया अपॉन में वाटर है, तो वाटर का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो 18 होता है और इंटू 22.4 × 10⁻³। सॉल्व करने पर ये कितना मिल जाएगा? तो दिस विल इक्वल टू 5.6 m³। 5.6 m³ कहाँ आ रहा है? तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ 55.3 m एंड ब्रेथ 25 m आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज 55.3 m लंबाई एवं 25 m चौड़ाई वाले आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में का मान निकटतम पूर्णांक बनाने के बाद सही सार्थक अंक के लिए है। तो ये हमें निकालना है। देखो क्वेश्चन आपको पता चली गया होगा, आयताकार यहाँ पे दे रखा है, तो एरिया जो होता है आयत का वो कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो एरिया ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 55.3 लेंथ और 25 ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1382.5। इसको हम राउंड फिगर में अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 × 10⁻², ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 × 10⁻², ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, चेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, दिस क्वेश्चन इज ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस
सी इज इक्वल टू 900 पिकोफेरेड इज चार्ज्ड फुली बाय 100 वोल्ट बैटरी बी एज शोन इन द फिगर ए देन इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम ए बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिकोफेरेड एज शोन इन फिगर द बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम बी. तो सिस्टम बी में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी ये हमें बताना है. क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे समझिएगा पहला जो है जिसमें कॉमन पोटेंशियल अगर हमें निकालना होता है तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं तो वी सी इज इक्वल होता है सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू. ठीक है ऐसे तो निकालते हैं सी वन वी वन यहाँ लिख देता हूँ VC is equal to C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2 ऐसे निकालते हैं. तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है तो यहाँ पे C1 कितना है C ले लेते हैं और इन टू वी वन यहाँ पे दे रखा है 100 100 वोल्ट है प्लस C2 C ले लेते हैं और V2 जो है वो जीरो है अपॉन में C1 plus C2 करेंगे तो C plus C हो गया. तो ये आपको मिल जाएगा दिस इज 100 C अपॉन 2 C तो सी से सी कैंसिल हो गया टू से ये कैंसिल हो गया यानी कि 50 आ गया. तो वोल्टेज जो कॉमन वोल्टेज है वो कितनी हो गई 50 वोल्ट हो गई. अब एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है कितनी एनर्जी स्टोर होगी तो इलेक्ट्रो एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो होगी 2 इंटू हाफ सी वी स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया सी वी स्क्वायर. ठीक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरे सिस्टम के लिए निकालनी है क्योंकि दोनों यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो अलग अलग स्टोर होगी दोनों में. तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने तो 900 ये हो गया C की वैल्यू. V की वैल्यू कितनी है 900 पिको फेरेड है तो 10^-12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी V स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 2.25 × 10^-6 जूल. तो 2.25 × 10^-6 जूल यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 क्या है और इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसको समझते हैं. मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू जिसमें पहला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है इसका हमें डायमेंशंस दे रखी है डायमेंशनल फार्मूला दे रखा है तो इनको मैच करने हैं. ठीक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी. तो इसको अगर हमें देखना है तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना के इसको बता देता हूँ क्या क्या होगा इसमें. देखो यहाँ पे समझना सबसे पहले यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होता है तो जी के लिए अगर हम ग्रेविटेस डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो ये होता है m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू. उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू जी से शो कर देता हूँ तो इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला होता है m एल स्क्वायर टी माइनस टू. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसको हम जी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसको हम वी से शो करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया यहाँ पे एल स्क्वायर और टी माइनस टू. ठीक है बी जी लिख देता हूँ यहाँ पे. उसके बाद ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इंटेंसिटी आई जी से शो करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस टू. अब इसको मैच कर दीजिए. देखो यहाँ पे अब आते हैं ऊपर कौन सा किसके साथ में मैच होगा दिख गया आपको. तो देखो पहला वाला जी एम माइनस वन एल क्यूब और टी माइनस टू तो ये वाला आ रहा है तो यानी कि पहला वाला दूसरे से मिलेगा. फिर यू जी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू कहाँ है तो ये दूसरा वाला चौथे से मिलेगा. तीसरा वाला किससे मिलेगा तो तीसरा वाला मिलेगा पहले से. चौथा वाला किससे मिलेगा तो बचा हुआ जो है तीसरा इससे मिल जाएगा. तो यानी कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है तो यहाँ पे सिंपली आपको पता चलेगा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है दिस वन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 इज टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेज एट सम इंस्टेंट द टू आर एट देयर मीन पोजिशन इन द सेम फेज द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स वेरियस वाइब्रेशंस ऑफ शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच द टू आर अगेन इन फेज एट द मीन पोजिशन इज 121 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो दोलक समान कला में कंपन करना प्रारंभ कर दें. किसी क्षण पर दोनों अपनी अपनी माध्य अवस्थाओं पर समान कला में हैं. छोटे वाले दोलक के न्यूनतम कंपनों की संख्या होगी जब इसके बाद ये दोनों फिर से माध्य स्थिति पर समान कला में होंगे. तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो आप याद रखेंगे क्या होता है एन फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. तो एन टी एल इज इक्वल टू एन प्लस वन
TS, ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज़ कर लेंगे, और NTL अगर मैं यहाँ पे तो यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो ये क्या क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पे L की वैल्यू मतलब TL की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 अपॉन जी, एंड ये हो जाएगा N+1, TS की जगह क्या रखेंगे 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन जी, ठीक है। अब ये 100 सेंटीमीटर है, ये 121 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके ही लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे L की जगह यहाँ पे 1 लिख देता हूँ मैं, 1 अपॉन जी। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दो, जी से जी कैंसिल कर देंगे, बचा हुआ जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.1.1 एन इज इक्वल टू N+1। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, एन की वैल्यू आ गई इधर ले आएंगे तो 0.1 और डिवाइडेड बाई 1 y डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये हो गया 10, कितना आ गया 10 आ गया। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ स्मॉलर वन, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ स्मॉलर वन कितना होगा, तो N+1 है, तो N+1 यानी कि N की वैल्यू 10 है, और +1 यानी कि ये हो गया 11, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का स्टेटमेंट कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज़ लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज़ लेबल्ड एज रीज़न आर। असर्शन इज़ द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज़ डिटरमाइंड बाई द शेयर मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, एंड रीजन इज द क्वाइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज़ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन ए स्टील स्प्रिंग ऑफ सम सेम डायमेंशंस। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इस क्वेश्चन को हम एक देखते हैं एक बार, देखो क्या है कि यंग मॉडुलस जो होता है, यंग मॉडुलस कॉपर का, कॉपर का यंग मॉडुलस जो होता है वो कम होता है स्टील के यंग मॉडुलस से। तो अगर कॉपर का यंग मॉडुलस स्टील के यंग मॉडुलस से कम है तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा ये हो गया कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन रीज़न उसका जो है वो गलत है। पहला वाला स्टेटमेंट यानी कि असर्शन बिल्कुल सही है, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाई ए शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, तो ये एकदम सही है, लेकिन कॉपर का यंग मॉडुलस कम होता है, इसका मतलब इसमें जो यंग मॉडुलस कम होने का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि इसमें जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो इसको यहाँ पे इसकी हेल्प से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑप्शन सेकेंड इज़ करेक्ट, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला फॉल्स है, गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री विल बी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी जो स्पीड होगी एट इस ट्रेजेक्ट्री वो कितनी होगी ये हमें बताना है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल आपको किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल ले लिया है, प्रोजेक्टाइल करती हुई एक ऑब्जेक्ट को ले लिया है जो कि 30 डिग्री का एंगल यहाँ से बना रहा है, वर्टिकल से 60 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा अपने आप, ठीक है। और अगर ये 30 डिग्री हो गया तो हमें पता है यू एक्स कितना हो जाएगा, तो यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा, मतलब यू की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और यू कॉस 30 यहाँ पे लगा देंगे, कॉस 30 कितना होता है √3 के इक्वल होता है, √3/2 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा √3/2, 2 से ये कैंसिल हो गया तो 5√3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन पहला वाला यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन 1 5√3 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाई ए प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया आर 1.5 × 10⁸ m/s एंड 2 × 10⁸ m/s रेस्पेक्टिवली, द क्रिटिकल एंगल फॉर द रे ऑफ लाइट फॉर दीज टू मीडिया। तो क्रिटिकल एंगल इन दोनों लाइट के लिए रे ऑफ लाइट के लिए हमें बताना है कि कितना होगा, तो इसके लिए हमें करना क्या है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो फार्मूला इसके लिए होता है क्रिटिकल एंगल को निकालने के लिए, सिंपली म्यू इज इक्वल टू
देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सी अपॉन वी, ठीक है। तो वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं? तो ये होता है साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। तो दिस इज म्यू डी अपॉन म्यू आर, वेलोसिटी के साथ में लेते हैं, वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी वी डी अपॉन वी आर, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है 1.5 अपॉन 2 और दिस विल इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। तो आई सी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 3/4 का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? साइन इनवर्स 3/4 का सीधा सीधा मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 1। चार से अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो चार चार 7 28 और 4 5 20, तो यहाँ पे आ गया 0.75, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। तो ये जो है एक लॉजिक गेट यहाँ पे गिवन है, तो कह रहे हैं कि द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिक गेट। इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो इसको पहले हम बूलियन एलजेब्रा से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो ये गिवन है, इसको अगर हम मैं यहाँ पे ए ले लिया ए बी सी, तो सी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सी जो होगा आउटपुट वो कितना होगा? तो यहाँ पे एक एंड गेट जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नैंड गेट है, एन ए एन डी, एन ए एन डी, और ये भी नैंड गेट है और ये एंड गेट है। यहाँ पे एक नॉट लगा हुआ है, ठीक है, नॉट इसमें एंटर कर रहा है। तो सी अगर मैं निकालूंगा तो इसमें एंटर क्या कर रहा है? देखो ए डॉट बी, ए यहाँ से निकलेगा, बी यहाँ से इसने एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ए डॉट बी का बार, जाहिर सी बात है ए डॉट बी का बार मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है इस नैंड गेट में क्या क्या एंटर कर रहा है? तो यहाँ से ए का बार, तो यहाँ पे हो गया ए का बार एंटर कर रहा है इसमें, और बी डायरेक्टली इसमें एंटर कर रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट होगा पी, और नैंड गेट है तो ये हो जाएगा इसका होल बार, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा तो ये हो जाएगा ए डॉट बी का बार और डॉट ए बार डॉट बी का होल बार, ठीक है, ये हो गया सी। तो अब हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, मैं यहाँ पे यही वाली वैल्यू उठा के रख देता हूँ, ये वाली वैल्यू पूरी क्या है, ए डॉट बी का बार डॉट ए बार डॉट बी का होल बार। डी मॉर्गन थ्योरम से अपने को क्या मिलेगा, सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस, ठीक है, प्लस आ गया, प्लस ए बार डॉट बी का होल बार। देखो अलग अलग बार था तो यहाँ पे सब पूरे का बार करने के लिए हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो ये मिल जाएगा अपने को बी, यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बी ए प्लस ए बार और इसका होल बार चल रहा है, तो ए प्लस ए का होल बार, ए प्लस ए कितना होता है, तो ए प्लस ए मतलब ए बार कितना हो गया, तो वन, वन प्लस जीरो या जीरो प्लस वन अगर हम करते हैं तो ये वन ही मिलता है, ठीक है, एक ही आता है, तो यहाँ पे वन हो जाएगा, तो ये केवल बचेगा बी बार, बी बार बचा। इसका मतलब अगर हम अब ट्रुथ टेबल इसकी बनाएं तो ट्रुथ टेबल क्या बनेगी, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, देखो कितने हैं, ज़ीरो, वन और ज़ीरो वन तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल रही है, तो ये मिल रही है बी बार, है ना। तो ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो एंड वन वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये कितना कितना मिलेगा, ये मिलेगा बी बार, बी बार कितना हो गया, यानी कि ये हो गया ज़ीरो ज़ीरो, तो एक ही ले लो इनमें से, ज़ीरो हो गया, ये हो गया वन, ठीक है, और ये हो गया ज़ीरो। तो ये ट्रुथ टेबल मिलेगी। कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? देखो यहाँ पे अगर इसको लें तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, एक एक दो तीन चार, चार इनपुट है, ज़ीरो ज़ीरो होगा, ठीक है, दिस इज़ ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, बी का वन हो जाएगा, दिस इज़ वन, ओके, ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो एंड वन वन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, दिस वन इज़ करेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाइए। स्टेटमेंट इज ए सीरीज एल सी आर सर्किट विद इंडक्टेंस 10 हेनरी, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरड,
रेजिस्टेंस 50 ओम इज़ कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज वी इज इक्वल टू 200 साइन 100 टी वोल्ट. इफ द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट इज न्यू नॉट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज न्यू, देन विच वन इज़ करेक्ट. तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि एक एलसीआर सर्किट है और एलसीआर सर्किट के लिए हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज न्यू. ठीक है, लेट सी. इस क्वेश्चन के लिए अपने को करना ये है कि ओमेगा यहाँ पे दे रखा है 100, तो वी इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू कितना होता है, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये हो गया 100 अपॉन 2 पाई यानी कि 50 अपॉन पाई हर्ट्ज. रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1 अपॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, अपॉन में आता है एलसी. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एलसी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, एल की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 हेनरी है, और सी कितना दे रखा है 10 माइक्रोफेरेड है, तो 10 माइक्रोफेरेड को 10^-6 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 10^-4 और इसका स्क्वायर रूट से 12 आएगा तो 10^-2, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू 10^-2 ऊपर जाके 100 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल मार दो 50 यानी कि 50 अपॉन पाई. ठीक है, तो रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी कितनी निकल के आ गई, 50 अपॉन पाई निकल के आ गई, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही वाला करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि न्यू नॉट एंड न्यू बोथ आर इक्वल ईच अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज़, ए व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स बाय एडजस्टिंग ए वेरिएबल रेजिस्टेंस वाई एज शोन इन द फिगर फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ एक्स द रेजिस्टेंस पी एंड क्यू. तो मोस्ट प्रिसाइज क्वेश्चन ये कह रहा है कि दर्शाए गए चित्र अनुसार परिवर्तनशील प्रतिरोध वाई के मान को परिवर्तित करके अज्ञात प्रतिरोध एक्स का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग किया जाता है. एक्स के सर्वाधिक उपयुक्त तो मापन के लिए प्रतिरोधों पी और क्यू, तो ये क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, देखो अगर आपको याद है तो रेजिस्टेंस पी और क्यू शुड बी अप्रॉक्स इक्वल एज इट डिक्रीजेज एरर इन द एक्सपेरिमेंट, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होने चाहिए. तो यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट होगा, शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल, बहुत छोटे होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, 47, फ्रॉम एम्पियर्स सर्कुलर लॉ फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग ए स्टेडी करंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर. तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी लंबे एवं सीधे तार जिसमें एक स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार के आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है. तो ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं आपको ग्राफ से समझाना चाहूँ तो ग्राफ यहाँ पे देखिएगा कैसा ग्राफ बनता है. तो ये एक ग्राफ हम यहाँ पे ले ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया R और यहाँ पे ले लिया यहाँ पे B. ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है. तो यहाँ पे एक निश्चित मान तक, यानी कि जब R की वैल्यू R के इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे R की वैल्यू R के इक्वल हो गई, तब तक ये इस तरीके से बढ़ता है और उसके बाद फिर हाइपरबोलिकली इस तरीके से डिक्रीज होता है. ठीक है, तो यहाँ पे बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट. तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ए लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन डिक्रीजिंग वन विद वन अपॉन आर डिपेंडेंसी ऑफ द आउटसाइड रीजन. तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 48, ए बिग सर्कुलर स्क्वाइल ऑफ 1000 टर्न्स एंड एवरेज रेडियस 10 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट 2 रेडियन पर सेकेंड. इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज 2×10^-5 टेस्ला एंड क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल इज 12.56 ओम, देन द मैक्सिमम इंडक्टेंस इंड्यूस्ड करंट इन द क्वाइल. तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट क्वाइल में कितनी होगी, क्वेश्चन ये है कि 1000 घेरे
1000 फेरों एवं 10 मीटर की औसत त्रिज्या वाली एक बड़ी वृत्ताकार कुंडली अपने क्षैतिज व्यास के सापेक्ष 2 रेडियन प्रति सेकंड की दर से घूम रही है। यदि उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान 2×10⁻⁵ टेस्ला है एवं कुंडली के विद्युत प्रतिरोध का मान 12.56 ओम है, तो कुंडली में प्रेरित धारा का अधिकतम मान कितना होगा? तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना है क्या, सिंपली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है आई मैक्स इज इक्वल टू ई मैक्स अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे करंट निकालनी है, तो ये हो जाएगा एन पी ए ओमेगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ले लेंगे आर अपॉन में आर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1000 × 2 × 10⁻⁵ एंड एरिया कितना हो जाएगा पाई और आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू ओमेगा कितना है 2 रेडियन, और अपॉन में रेडियस कितनी है 12.56। सबकी वैल्यूज गिवन है, बस केवल हमें सॉल्व करना है। तो आई मैक्स कितना हो गया अप्रोक्सीमेट 1 एम्पियर, तो दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज टू पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ एल एज सून इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर वेयर आर इज सो ग्रेटर देन एल वेरीज एज। तो यहाँ पे ये जो है किस तरीके से वेरी करेगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए फार्मूला ई इज इक्वल टू कितना होता है। तो ई इज इक्वल टू होता है के पी अपॉन आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 1+3 cos² θ। ये जनरल फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसी भी डाइपोल के कारण। तो इस जनरल फार्मूले में अगर हम देखेंगे तो ई किस पर डिपेंड कर रहा है, तो 1/r³ के इन्वर्स, मतलब आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहीं से आप देख सकते हैं कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 स्प्लिट्स इंटू टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 125 एंड 64, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई रेस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है क्या रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई कितना हुआ। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू दी पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, तो ये मिल जाएगा आर, यहाँ पे कितना है ये है मास नंबर, हैविंग मास नंबर 125, तो ये मास नंबर है 125, तो यहाँ पे लिख दो 125 अपॉन आर 64 इज इक्वल टू आर नॉट 125 की पावर 1/3 अपॉन आर नॉट 64 की पावर 1/3। तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 125 का घन क्यूब कितना होता है 5 होता है, और ये हो गया 4, ठीक है, 5:4, यानी कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ करेक्ट, ठीक है। तो इसी के साथ में जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो ये कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे नीट के एग्ज़ाम में, तो वो सभी मैंने आपको डिटेल में कवर करवा दिए हैं। सारे क्वेश्चन मैंने एकदम डिटेल में आपको बताए हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। तो अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडी। बाय।